गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू शांतिकुंज ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चों, हमारी चल रही थी रिवीजन क्लासेस, है ना, और आज हम चैप्टर नंबर 3 का रिवीजन करेंगे। तो बच्चों, हमारा चैप्टर नंबर 3 है जंतुओं में प्रजनन। तो बच्चों, प्रजनन का क्या मतलब बताया था मैंने आपको कि प्रकृति के नियम अनुसार सजीव वस्तुएं सदैव जीवित नहीं रह पाती, परंतु सभी सजीव वस्तुओं में अपने वंश को बढ़ाने की क्षमता होती है। यानी अपने जैसे नए और सजीव लाने की जो क्षमता होती है उसे ही हम प्रजनन कहते हैं। यानी जो दंपत्ति होते हैं, दंपत्ति मतलब जो हस्बैंड वाइफ हो गए या पेरेंट हो गए, वो अपने ही समान नए सजीव उत्पन्न करने की प्रक्रिया को प्रजनन कहते हैं। तो ये जंतुओं में दो प्रकार से होता है, कुछ में जंतु बच्चे पैदा करते हैं और कुछ में जंतु अंडे पैदा करते हैं। तो बच्चों, इस चैप्टर को हम क्वेश्चन आंसर के थ्रू लर्न करेंगे, ठीक है। तो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि जंतु प्रजनन करेंगे तो क्या होगा। तो बच्चों, प्रजनन द्वारा जीव जंतु अपने जैसे नन्हे शिशुओं को उत्पन्न करते हैं। अगर जंतु प्रजनन करेंगे तो वो अपने जैसे नन्हे शिशुओं को उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। फिर देखो, अगला प्रश्न है, स्तनधारी जंतु कौन कौन से होते हैं, उदाहरण देके समझाइए। तो मैंने आपको इस चैप्टर में बताया था स्तनधारी जंतु कौन कौन से होते हैं। ऐसे जंतु जो पूरी तरह विकसित शरीर के रूप में बच्चों को जन्म देते हैं, अपने जैसे शिशु को जन्म देते हैं तथा उन्हें दूध भी पिलाते हैं, और वो क्या कहलाते हैं, स्तनधारी जंतु कहलाते हैं, यानी मैमल्स कहलाते हैं। जैसे हो गए गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, भेड़, हाथी और मनुष्य, ये सभी स्तनधारी जंतु के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि आपने कुत्ते का बच्चा देखा होगा ना, तो वो अपने जैसे बच्चे को ही जन्म देते हैं, तो इसीलिए ये हो गया स्तनधारी जंतु। फिर अंडे देने वाले 4 जंतु के नाम बताइए। तो अंडे देने वाले जंतु कौन से होते थे बच्चों, बताया था मैंने आपको, है ना, जैसे कि पक्षी हो गए, और कीड़े मकोड़े, मछली, रेंगने वाले जंतु, उभयचर, ये सब अंडे देते हैं। तो ये अंडे देने वाले जंतु हो गए, ये अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाते हैं और ना ही ये बच्चे पैदा करते हैं, ये अंडे से बनते हैं। फिर देखो बच्चों, तितली के जीवन चक्र का वर्णन कीजिए। तो मैंने आपको तितली का जीवन चक्र बताया था, उनकी लाइफ साइकिल कुछ इस तरह से कि क्या होता है इसमें, कि ये अपना जो जीवन है ये 4 स्टेज में पूरा करती है, पहला, सेकंड, फिर थर्ड, फोर्थ, इस तरह से ये अपना जीवन पूरा करती है। तो पहले क्या करती है, तितली अपने अंडे को पत्तियों की निचली सतह पर देती है। यानी जो भी पत्ती होती है, ये मान लो ये पत्ती है और इसके पीछे की तरफ इसने एक अंडा दे दिया, फिर क्या होगा, अंडे से लार्वा बनता है जो कृमि की तरह दिखाई देता है। यानी अंडे से ही ये कुछ इस तरह से बनने लगता है, देखने में ये एकदम से कैसा लग रहा है, कृमि, किसी सूड़ी की जैसा दिख रहा है। लेकिन फिर क्या होता है, लार्वा को कैटरपिलर कहा जाता है, इसकी जो लार निकलती है, लार्वा होता है, उसे कैटरपिलर कहते हैं, और कैटरपिलर पत्तियाँ खाकर बड़ा होता है। और ये जो कीड़ा बन गया है तो ये क्या कर रहा है, ये पत्तियाँ खाना शुरू कर देगा, और फिर कैटरपिलर पत्तियाँ खा जाता है। फिर क्या होता है, कैटरपिलर के चारों ओर एक सुरक्षा कवच, कोकून बन जाता है, और धीरे धीरे उसके चारों तरफ पत्तियाँ खा खा के वो पत्ती इस तरह से इसको अपने से सुरक्षित कर लेती है, बांध लेती है, तो वो उसका सुरक्षा कवच बन जाता है और ये कोकून में फिर बंद हो जाता है। अब इस अवस्था को प्यूपा कहा जाता है, ये जो स्टेज है इसे क्या कह रहे हैं, इसे कह रहे हैं प्यूपा। अब प्यूपा गतिहीन होता है क्योंकि ये बंद है चारों तरफ से, इसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो ये गतिहीन है और इस समय ये भोजन भी नहीं कर पाता है। फिर उसके बाद में क्या होता है, प्यूपा तितली की आकृति प्राप्त करने के कुछ समय बाद अपने सुरक्षा कवच को तोड़कर बाहर आ जाता है। फिर ये जो प्यूपा था, अब ये सूख जाता है और इसके अंदर तितली बन चुकी होती है, और फिर उसके बाद में वो इस कवर से निकलकर बाहर आ जाएगा,
और फिर अंडे से बाहर आया शिशु निम्फ कहलाता है। अब ये जो तितली का बच्चा है ये क्या कहलाएगा, ये अब कहलाएगा निम्फ। निम्फ ये अपनी त्वचा को कई बार छोड़ता है, जैसे सांप केचुली चेंज करता है ऐसे ये भी, और त्वचा छोड़ने की इस प्रक्रिया को मोल्टी या केंचुली कहा जाता है। तो ये हो गई तितली की चार अवस्थाएं। फिर देखो टैडपोल किसे कहते हैं, तो बच्चों मैंने आपको क्या बताया था कि एक मेंढक जल के अंदर हजारों अंडे देता है और इनको हम स्पान कहते हैं। उसके बाद में अंडे से निकले बच्चे में मूंछ होने के कारण ये मछली जैसे दिखाई देते हैं, जिन्हें टैडपोल कहा जाता है। यानी ये जो अंडे दिए मेंढक ने, उसके बाद ये अंडे कुछ इस तरह से हो गए, फिर कुछ इस तरह से, और बाद में ये कुछ इस तरह के दिखने लगते हैं। अब ये देखो मछली जैसा लग रहा है ना, तो ये पानी में जब तैरते हैं तो बिल्कुल मछली ही लगते हैं, इसीलिए इनको हम टैडपोल कहते हैं। फिर अंडे देने की संरचना के विषय में बताइए, तो बच्चों यहाँ मैंने एक अंडे का चित्र भी आपको बनवाया था ना, तो ये अंडे दिया हुआ है और इसका देखो एक अंदर वाइट वाइट सा पोर्शन होता है उसे श्वेतक बोलते हैं, और सबसे बाहर का कवर जो होता है उसे कवच, और जो पीला पीला होता है उसे पीतक बोलते हैं। तो अंडे का बाहरी कवच बच्चे को सुरक्षा प्रदान करता है और इस कवच को शैल कहते हैं। अंडे के आंतरिक भाग में बच्चे का विकास होता है, यानी यहाँ पर ही वो अंडे से बच्चा बन जाता है, और अंडे के बीच वाला पीला भाग योग कहलाता है। ये भाग योग कहलाता है जो विकसित होने वाले शिशु के लिए भोजन का काम करता है। यानी बच्चा तो ये जो व्हाइट वाले पोर्शन है उससे बना था और ये उसको खाता है। ठीक है बच्चों, तो इतना चैप्टर आपको लर्न हुआ होगा ना। ठीक है, सही विकल्प पर सही का निशान, शिशुओं को जन्म देने वाले पशु क्या कहलाते हैं, स्तनधारी। अंडे के बीच वाला पीला भाग क्या कहलाता है, योग कहलाता है। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति, देखो बच्चों अच्छे से पढ़ना है इसे। मेंढक के अंडे को स्पान कहते हैं, अंडे के बाहरी कवच को शैल कहते हैं, तितली के लार्वा को कैटरपिलर कहते हैं, पक्षी अपने घोंसले में से ही अंडे देते हैं, और मेंढक एक उभयचर जंतु है। फिर सही गलत पे निशान देखो, मछली हजारों की संख्या में अंडे देती है, सही। अंडे के बीच पीले भाग को एब्यूमिन कहा जाता है, गलत। शुतुरमुर्ग अंडे देता है, सही। शिशु तिलचट्टे को टैडपोल कहा जाता है, गलत। तो बच्चों चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, सारे क्वेश्चन अच्छे से लर्न कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे न्यू चैप्टर के रिवीजन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।